सो वेलकम गाइस शार्क टैंक सीजन 2 एपिसोड 2 में जो सेकंड पिच आया वॉच आउट वेरिएबल्स का काफी इंटरेस्टिंग पिच था और ये पिच से आपको कई सारी चीजें सीखने मिलेगी। वही सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे और काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई। इनका प्रोडक्ट डेफिनेटली अच्छा था लेकिन प्रोडक्ट अच्छे होते हुए भी इनको अच्छी फंडिंग नहीं मिली। इनकी जो 40 करोड़ की वैल्यूएशन थी वो गिर के बस 10 करोड़ पे आ गई बस 10 मिनट में। तो ऐसा क्यों हुआ और ऐसी क्या क्या बातें हुई इस पिच के अंदर, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम स्टार्ट करते हैं कि ये पिच ऐसी इंटरेस्टिंग क्यों थी। तो सबसे पहले ये जो पिच ओपन थी एक छोटे बच्चे ने, सारे शार्क्स को ऐसा लगता है कि ये जो वॉच के फाउंडर है ये छोटे बच्चे हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर बाद में पीछे से इनके अंकल आते हैं जो कि ये फाउंडर होता है वॉच आउट वेरिएबल्स के, और जब ये अंकल आता है या फिर ये जो फाउंडर आता है तो डेफिनेटली अपने प्रोडक्ट को ये इतने अच्छे से शोकेस करते हैं जो कि आपको भी सीखना चाहिए इनसे। तो सबसे पहले ये अपने वॉच को दिखाने लगे। सो अभी इन्होंने जब अपनी वॉच को शोकेस करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले इन्होंने एक चीज हाईलाइट की, वो है अपना वॉच का बेल्ट। जो वॉच का बेल्ट बना है वे ब्रीथेबल सिलिकॉन से बना है जो कि हेल्प करता है किड्स को दिन भर पहनने के लिए विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट। तो यहाँ पे इन्होंने अपने वॉच के सारे फीचर्स भी बताए लेकिन फीचर्स के साथ साथ इन्होंने अपने सारे वॉच के बेनिफिट्स भी बताए। इसको बोला जाता है फीचर बेनिफिट एनालॉजी, मतलब अपने वॉच के फीचर्स भी बताओ लेकिन साथ ही साथ उसके यूज भी बताओ कि इनके अंदर ये फीचर्स क्यों है। जैसे कि इन्होंने अपने वॉच का बेल्ट बोला, फिर बाद में वॉच के ऊपर एक कर्व एज बना था तो ये एज क्यों था, अपनी स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर बाद में ये वॉच के अंदर एक वीडियो कॉल का फीचर था जिसके अंदर सिम भी जाता है और सिम के साथ साथ जीपीएस ट्रैकिंग भी आती है, पर फिर बाद में एसओएस का भी फीचर था। तो ऐसी कई सारी चीजें इन्होंने एक्सप्लेन की अपने पिच के अंदर और डेफिनेटली जब इनकी पिच अच्छी हो गई तो वो पिच से काफी सारे शार्क कन्विंस हो गए कि हाँ ये प्रोडक्ट हम अपने बच्चों के लिए भी लेंगे। तो इस चीज से आपको ये समझ में आता है कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। तो वैसे ही बातें मैंने पिछले रिव्यू के अंदर की थी, जब डोजे टी आई थी उसके अंदर भी उनकी पब्लिक स्पीकिंग और स्टोरी टेलिंग काफी अच्छी थी और इस हिसाब से काफी सारे शार्क्स इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हो चुके थे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी थी जो कि इनके फेवर में नहीं बनी, वो थी इनकी मार्केट वैल्यूएशन और इनके सारे बिजनेस को लेके अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो फाउंडर थे इनका प्रोडक्ट डेफिनेटली अच्छा था लेकिन इनका जो व्यू था अपने बिजनेस को लेके वो क्लियर नहीं था। चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इनको ये पूछा गया कि ये प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, तो प्रोडक्ट की प्राइस जैसे ही इन्होंने बोली 10,000 रुपए तो सारे शार्क्स शॉक हो गए। ये जो 10,000 का प्रोडक्ट है बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और इनफैक्ट ये कुछ ऐसे लोग अफोर्ड कर सकते हैं जिनकी अर्निंग बहुत ज्यादा है। तो इनको ये पूछा गया कि आपकी मार्केट साइज क्या है, मतलब ये वॉच कितने लोग यूज करिए और कितने पैसे देने के लिए तैयार है, या फिर ऐसी कौन सी कंपनी जो कि ऑपरेट करती है इस सेक्टर के अंदर। तो अभी इनको इनकी मार्केट साइज पता नहीं थी और इस वजह से इनको अभी प्रॉक्सी पूछी गई कि आपकी प्रॉक्सी क्या है, प्रॉक्सी मतलब क्या होता है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो अगर समझो आपको अभी ट्राउजर्स का मार्केट साइज जानना है लेकिन आपको अभी वो पता नहीं, लेकिन ट्राउजर का मार्केट साइज पता करने के लिए ये पता करना चाहिए कि उसका सेम रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट कौन सा है, जीन्स। तो अभी जीन्स का मार्केट साइज कितना है, तो अगर समझो वो 900 करोड़ का है तो वैसे ही ट्राउजर्स का मार्केट भी आसपास 900 करोड़ के पास हो सकता है क्योंकि सेम प्रोडक्ट काफी सारे लोग यूज कर सकते हैं। जो लोग जीन्स यूज करते हैं वही लोग ट्राउजर्स भी यूज कर सकते हैं, तो इस हिसाब से प्रॉक्सी डिफाइन होती है। तो अभी आपको मार्केट साइज पता हो चुकी है, फिर बाद में प्रॉक्सी भी पता हो चुकी है, फिर बाद में आते हैं वैल्यूएशन के ऊपर। तो जब यहाँ पे नेगोशिएशन की बात स्टार्ट हुई, 40 करोड़ के ऊपर ये फंड रेस करना चाहते थे लेकिन इनको 40 करोड़ की वैल्यूएशन नहीं मिली क्योंकि इनको मार्केट साइज पता नहीं थी। तो फिर बाद में इन्होंने वैल्यूएशन पूछी 20 करोड़ के ऊपर, 20 करोड़ के बाद 17.5 करोड़ के ऊपर, 13.5 करोड़ के ऊपर, और फिर ये डील क्लोज हुई 10 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर। तो अभी यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनका जो EBITDA था वो 35% का था और साथ ही साथ इनका प्रॉफिट वो था 25% का। तो अभी यहाँ पे EBITDA होता क्या है, मैं आपको लेमन टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी बिजनेस करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा प्रॉफिट बच जाता है, उसके ऊपर आपको एक्सपेंस देना होता है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना होता है और उसके ऊपर आपको टैक्स भी भरना होता है। वो सारा पैसा जो कि आपको ये सारी चीजें करने से पहले होता है उसे हम बोल सकते हैं कि मेरे पास इतना EBITDA है, और फिर इसके बाद आपके पास आता है नेट प्रॉफिट। तो अभी इनका नेट प्रॉफिट था 25% का जो कि डेफिनेटली बहुत ज्यादा कम था, इस वजह से काफी सारे शख्स इसके अंदर इन्वेस्ट करने से एग्री नहीं कर रहे थे। फिर इसके बाद इनको एक और टर्म पूछी गई कि अगर हमने 20 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया तो हमें इन्वेस्टर एग्जिट कब मिले। तो अभी बात करते हैं कि इन्वेस्टर एग्जिट होता क्या है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके ये चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर समझो मेरी कंपनी जिसके अंदर आप 10% खरीदना चाहते हो 10 रुपए के लिए, इसके हिसाब से मेरी कंपनी की वैल्यूएशन हुई 100 रुपए। तो अभी जब मेरी कंपनी 1,000 रुपए की बन जाएगी, मतलब मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 1,000 रुपए हो जाएगी, तो उस वक्त आपकी जो 10% है वो 100 रुपए की तरफ चली जाएगी। लेकिन अभी आपको एग्जिट चाहिए, तो इस हिसाब से जब मैं नेक्स्ट राउंड रेस करने जाऊंगा मेरी वैल्यूएशन होगी
1000 थी, तो मेरे 1000 के वैल्यूएशन के ऊपर जब नया इन्वेस्टर आएगा 10% के लिए, वो इन्वेस्ट करेगा 100 रुपए। तो अभी यहाँ पे आपके जो 10 रुपए थे वो बन चुके हैं 100। तो अभी आपको यहाँ पे एग्जिट मिल जाएगी और अभी आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर हमने वॉच आउट वेरिएबल को एनालाइज किया तो यहाँ पे इनकी 200 करोड़ की वैल्यूएशन है। तो अभी इन्होंने यहाँ पे 40 करोड़ के हिसाब से काफी ज्यादा मार्केट एक्वायर कर लिया, लेकिन यहाँ पे ये ट्रू नहीं था क्योंकि इनके पास बस 3000 कस्टमर थे। तो इस हिसाब से इनकी वैल्यूएशन मैच नहीं होती और इनको जो वैल्यूएशन मिली 10 करोड़ रुपए की वो भी शायद ओवर वैल्यूड थी। और अभी बात करते हैं एक और कंपनी के बारे में जो है जॉयसवर पीनट बटर। ये मैन्युफैक्चर करती है काफी सारे टाइप्स ऑफ पीनट बटर, काफी सारे वेरियंट्स ऑफ पीनट बटर, और यहाँ पे आपको काफी सारे फ्लेवर्स भी मिल जाते हैं। मतलब आपको यहाँ पे फिटनेस के साथ साथ काफी सारे फ्लेवर्स भी मिलते हैं और बहुत ज्यादा टेस्टी भी है। इसकी लिंक आपको बायो में मिल जाएगी और इनफैक्ट ये मैन्युफैक्चर करती है मेरी कंपनी, तो डेफिनेटली आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा कि ये चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेगी। साथ ही साथ आपको पर्सनल फाइनेंस के ऊपर वीडियोस मिलेगी, इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियोस मिलेगी और साथ ही साथ बिजनेस के ऊपर भी वीडियोस मिलेगी। तो डेफिनेटली ये चैनल आपके लाइफ में वैल्यू ऐड तो जरूर करेगा। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग और अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।